25 साल से यहाँ दिल्ली में बीजेपी है ही नहीं, कई लोग हमारे आपके ऊपर गर्व नहीं हो जाएंगे, बीजेपी कार्यकर्ता यार देख लो नाली गिर रही, देख लो ये जमुना जी कैसी हुई है, इधर नाला गिर रहा है, यहाँ क्या चलो इस गली में चलो, कई बार तो हम ही लोग तो घुसा है ठेल कर देगा, जाओ पैर डालो लोग ठेल देते, और उस समय ना कहोगे तो पीछे से कुछ पत्थर वत्थर नहीं आ सकता। लेकिन आप सोचिए कि 25 साल से वो बीजेपी के पास व्यवस्था ही नहीं रही, आखिरी व्यवस्था थी 93 से 98 तक, उसी समय के सारे यूनिवर्सिटीज है, उसी समय के सारे कॉलेज है, उसी समय के सारे स्कूल है, अब जाके स्कूल टूट गया होगा, नया स्कूल नहीं बना होगा, जो बने थे उनमें से 3 खत्म हो गए। समस्या क्या है, समस्या का निदान क्या है, समस्या का निदान है ये जो अभिशाप है इनको हटाना, इनका कोई काम ऐसा नहीं जहां इनको दिखेगा कि इसमें पैसा बच सकता है तो उसी काम में हाथ डालेंगे सब, और भारी भारी से सब देखो जेल में जा रहे हैं, और कहते हैं मीडिया को बीजेपी पीछे खड़ी है, अरे भाई बीजेपी को बेल थोड़ी देना है, बेल तो कोर्ट को देना है, कोर्ट तो बीजेपी नहीं है। तो हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि अगर इस देश के वरदान बन गए हैं मोदी जी, इसी दिल्ली में रहते हैं, फिर भी अगर उनका दिल्ली में शासन नहीं है तो हम आप कितनी गलती कर रहे हैं। वो कौशल के इस किताब में, कौशल के इस प्रयास में वो निकलता है, आइए हम लोग और थोड़ी कोशिश करते हैं। हमारे कौशल जब पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष थे, तो चूंकि पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष है, मेरे मनोज तिवारी भी पूर्वांचल से है, तो थोड़ा सा तो आत्मीयता रखनी पड़ती है, और हम तो हमारा तो माला तैयार रहता है, जो बन के आया उसके लिए हम खूब धूमधाम से बजा बजा के उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसका व्यवहार को पता चलता है कुछ दिन बाद, और जब कुछ दिन बाद पता चलता है तब मन करता है 2.5 घंटा भी बैठाएगा तो बैठेंगे, क्योंकि इसका कार्यकाल अच्छा था, ये व्यक्ति अच्छा है। हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि आप लोग अपनी अपनी फिल्म की तैयारी करें, जैसे ही आप फिल्म की तैयारी करेंगे तो सोचेंगे ना कि क्या क्या आएगी फिल्म में, तो इनके पास तो बताने को इतना कुछ है, अपने पास भी तो बताने को होना चाहिए। केशव त्यागी मंडल अध्यक्ष बन गए हैं, और कभी ये मत सोचना कि मैं इस पद पे था अब नहीं हूँ, तो मैं घर में हूँ, क्या बात करते। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो अध्यक्ष बन गया वो पूर्व अध्यक्ष तो रहेगा, जो पार्षद बन गया वो पूर्व पार्षद रहेगा, जो जिलाध्यक्ष बन गया वो पूर्व जिलाध्यक्ष रहेगा, आपका पोस्ट कभी खत्म नहीं होता है, और आपके कार्यकलापों पे पार्टी की नजर रहती है। ऐसी थोड़ी इतने 3 राज्यों में चुनाव हुआ और पूरी दुनिया कोई अटकल भी नहीं लगा सका, आसपास भी नहीं जा सका कि कौन बनेगा, कोई अटकल लगा सका, लेकिन आने के बाद खुशी की लहर है कि नहीं वो है। पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है, एक आदिवासी समाज से, एक ओबीसी समाज से, एक ब्राह्मण समाज से, एक दलित समाज से, एक महिला समाज से, एक ठाकुर समाज से, एक मतलब आप जब देखोगे ना पूरा तीनों के जो सीएम यूपी सीएम, तो आपको लगेगा हम ही करते हैं कि नहीं अपने आप, और जिस दिन आप लोग अच्छे कर लोगे इसको आपकी फिल्म हिट हो जाएगी, क्योंकि मैं भी एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, हम भी सोच रहे हैं, क्योंकि आप सब भूल जाएंगे, हमको भी याद रहना चाहिए। आज कौशल जी को मैं शुभकामना करता हूँ कि आप भविष्य में भी खूब अच्छा करें, और आप सब लोग, हम सभी लोग हमारे नेता प्रतिपक्ष के मूल भाव को समझते हुए कि आइए हम गर्व से कहें कि हमारे पास नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जो असंभव सा लगने वाला 370 भी हटा सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी जो हमारे देश की बहनों को 3 तलाक से मुक्ति दिला सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी जो 500 साल बाद ही सही भगवान राम को मंदिर में जा सकते हैं। हम सब मिलकर के कहें हम लोग 2025 में 2024 में दिल्ली में 7 की 7 सीटें देंगे मोदी जी को, और 2025 में दिल्ली भी देंगे मोदी जी को। कोशिश करने वाले की कभी सच्ची कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। एक हमारे पिताजी गीत गाते हैं, आप लोग इसको गाया करो, गाते थे मेरे पिताजी तो नहीं, मैं तो जितने साल से स्टार हूँ उतने साल से पिता भी हूँ, छोटा था मैं 8वीं क्लास में, कभी छोड़ दिया,
जब मैं किसी को पिता का प्रेम पाते देखता हूं तो विरक्त होता हूं, बट उनका एक गीत हमारे पास है, कहते थे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहां जो जो जागत है वो जो सोत है उठ जाग मुसाफिर